नमस्कार। आज का टॉपिक है कि थ्री फेस एसी मोटर में न्यूट्रल का क्या काम होता है। आप टॉपिक पर ध्यान दें, मैं ये नहीं कह रहा कि एसी मोटर में न्यूट्रल की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि एसी मोटर में न्यूट्रल की ज़रूरत क्या है। अब जो छोटी छोटी थ्री फेस मोटर होती हैं उसमें न्यूट्रल की ज़रूरत नहीं पड़ती, जैसे घरों में। लेकिन जब मोटर का साइज बहुत बड़ा हो जाता है, जैसे कि ट्रेन में, और वहाँ पे VFD भी लगा हो, तो सिस्टम बहुत बड़ा हो जाता है। तो जब सिस्टम में प्रॉब्लम आती है तो पता नहीं चलता कि कहाँ पे फेल हुआ। तो क्या करते हैं, इन बड़े बड़े सिस्टम में बहुत सारे मॉनिटरिंग पॉइंट लगा देते हैं, जो हर पॉइंट को या बहुत सारे पॉइंट को मॉनिटर करते रहते हैं, और डिस्प्ले में या प्रिंटर में लिखा हुआ आ जाता है कि यहाँ पर प्रॉब्लम आने वाली है या यहाँ पर प्रॉब्लम है। उससे फॉल्ट में रिपेयरिंग का टाइम बच जाता है। वहाँ पर न्यूट्रल का प्रयोग होता है। यहाँ पर हमने एक VFD सिस्टम दिखाया है। ये सिंगल फेस एसी सप्लाई है इनपुट। यह है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव या वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी सिस्टम। यह पूरा कंट्रोल सिस्टम है। ये RYB थ्री फेस वोल्टेज जनरेट कर रहा है। ये तीनों एक बड़ी सी मोटर को जा रहे हैं और उसमें न्यूट्रल भी है। ये बड़ा सिस्टम है, ये मोटर बड़े साइज की है, और ये अर्थ या कामन आप कह सकते हैं। देखिए, इस न्यूट्रल में कोई कनेक्शन नहीं है। अब मैं आपको बताऊंगा कि फॉल्ट की लोकेशन पता लगाने के लिए ये न्यूट्रल कैसे मदद करता है। ये थ्री फेस मोटर में RYB थ्री फेस सप्लाई आ रही है, और R फेस की वाइंडिंग ये है, Y फेस की वाइंडिंग ये है, और B फेस की वाइंडिंग ये है मोटर के अंदर, और ये न्यूट्रल है। तो अगर मोटर ठीक ठाक चल रही है तो इस न्यूट्रल का वोल्टेज जीरो होगा। अगर आप तीनों वेक्टर को ऐड कर दें तो यहाँ जीरो आएगा इन तीनों के रिस्पेक्ट में। हम मान लीजिए यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। ये देखिए, ये वाइंडिंग टूट गई। अब क्या होगा, यहाँ पर यहाँ से वोल्टेज नहीं आएगा। इस पॉइंट का वोल्टेज क्या होगा, ये देखिए, तो इस पॉइंट का वोल्टेज Y और B के बीच का होगा। मतलब ये वोल्टेज जीरो नहीं होगा, ये शिफ्ट हो गया। तो अगर ये वोल्टेज हम चेक कर रहे हैं तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है। हम मान लीजिए इस वाइंडिंग में आता है फॉल्ट, तो अब क्या होगा, ये R और B के बीच में कनेक्ट है ये पॉइंट। तो अब इस पॉइंट का वोल्टेज R और B के बीच का होगा। इसी प्रकार अगर फॉल्ट यहाँ आता है तो इस पॉइंट का वोल्टेज R और Y के बीच का होगा। तो देखिए, वाइंडिंग ये ओपन होती है या ये ओपन होती है या ये ओपन होती है, तीनों केस में इस पॉइंट का वोल्टेज अलग अलग आएगा और जीरो नहीं आएगा। तो हमें पता चल जाएगा कि क्या प्रॉब्लम हो सकता है अगर इस पॉइंट का वोल्टेज हम चेक करते रहें तो। हम मान लीजिए यहाँ पे फॉल्ट आ जाता है, ये पॉइंट और ये शॉर्ट हो जाता है। तो मैं शॉर्ट कर देता हूँ, देखिए शॉर्ट हो गया। तो जब शॉर्ट होगा तो इस पॉइंट का वोल्टेज जीरो हो जाएगा। देखो, ये जीरो से कनेक्ट है। जब ये पॉइंट जीरो हो जाएगा तो इस पॉइंट का वोल्टेज न्यूट्रल का जीरो नहीं होगा, कुछ और होगा, और चेक करने से हमें पता चल जाएगा कि फॉल्ट कहाँ पर आया है। इसी प्रकार यहाँ पे फॉल्ट आने से कुछ और वोल्टेज होगा, यहाँ पे आने से कुछ और वोल्टेज हो सकता है। तो हमने देखा कि फॉल्ट होने पर इस पॉइंट का वोल्टेज चेंज होता रहता है। अगर इसका वोल्टेज हम मेजर करते रहें जबकि सिस्टम ऑन है, तो हमें फॉल्ट की संभावनाओं पर यह बता देगा।
ये सारे फॉल्ट नहीं बताएगा, मगर फिर भी काफी कुछ हमको बता देगा। ये वोल्टेज मेजरिंग यूनिट है, देखिए यहाँ पे, यहाँ से वायर आ रहा है ना, और अर्थ से भी आ रहा है, तो ये इस पैन का वोल्टेज मेजर कर सकता है और ये इसके अंदर होता है। जब हमें वोल्टेज पता लग जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है, तो हमें फॉल्ट का अंदाजा लग जाएगा। अगर आप और ज़्यादा नॉलेज चाहते हैं और आपके पास कोई मैटलैब या कोई अदर सॉफ्टवेयर है, तो इस सिस्टम को आप जरूर सिमुलेट करें और फिर बहुत से फॉल्ट करके इस पॉइंट का वोल्टेज मेजर करें। आपको पता चलेगा कि ये वोल्टेज कैसे चेंज होता है। इस न्यूट्रल का एक और काम है, जब मोटर हम बनाते हैं, प्रोडक्शन करते हैं और ये न्यूट्रल बाहर है, तो हम इसके और इसके बीच में टेस्ट कर सकते हैं। अगर ये न्यूट्रल बाहर नहीं होता तो हम नहीं कर सकते थे अलग अलग वाइंडिंग का टेस्ट। इस न्यूट्रल का प्रयोग हम अपने एक प्रोजेक्ट में कर चुके हैं, एक बड़े से सिस्टम में। अब आज हम यहीं समाप्त करते हैं।